कोशिश की ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें, रिलीफ फंड्स वज़ीर-ए-आज़म के जाति नहीं, तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के फंड में किसी ने एक टका नहीं दिया। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फ़ियाज़ुल हसन चौहान की ऑपोजिशन लीडर पर तनकीद, कहा कोरोना के बाइस सबसे ज्यादा मजदूर तबका मुतासर हुआ, अगले 22 दिन बहुत खतरनाक और हसास हैं। मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अवाम जरूरत के तहत घरों से निकलें। मूजी वबा से पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा है, कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। साहब से लेके, आसिफ जरदारी साहब से लेके, मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेके, तमाम अपोजिशन के लीडरान से ये गुजारिश है कि आप खुद भी और अपने कारकुनान और अपने वर्कर्स को भी मोटिवेट करें कि वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों जितना जितना आपका हिस्सा बकदर जुसा वो इस फंड के अंदर दे। ये फंड रियासत पाकिस्तान का फंड है, डेढ़ ईंट की मस्जिद ना बनाए। अब देखा ना, वापस आके शहबाज शरीफ साहब ने एक अलहदा से जाए वो फंड कायम कर दिया, वो अलहदा बात है कि उस पर टका आना किसी ने नहीं दिया। अगले 20-22 दिन बहुत सेंसिटिव है और मैं ये समझता हूँ बड़े खतरनाक है। इसमें जितना ज्यादा इसकी सख्ती और पाबंदी बाहर निकलने और घूमने फिरने के हवाले से आवाम करेगी।